हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने पीएफ के लिए अप्लाई किया है और पीएफ का क्लेम स्टेटस दिखा रहा है रिजेक्टेड और उस पर रीजन जो आ रहा है वो रीजन ये आ रहा है कि योर क्लेम इज ऑलरेडी सेटल्ड। तो ये ऑलरेडी सेटल का मतलब क्या है, आज का वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि ऑलरेडी सेटल का मतलब क्या है, क्यों आ रहा है वो बार बार। बहुत सारे लोगों को ऐसा आ रहा है कि योर क्लेम इज ऑलरेडी सेटल्ड। तो ऑलरेडी सेटल का दो तीन रीजन है, पहले उससे फोकस किया जाए तो क्या क्यों होता है, क्यों दिखा रहे हैं वो ऑलरेडी सेटल, उसका मतलब क्या है। ऑलरेडी सेटल का मतलब है आपका क्लेम पहले भी सेटल हो चुका है, आपने शायद पहले कभी ना कभी पीएफ निकाला है जिसके वजह से आपका क्लेम दिखा रहा है कि ऑलरेडी सेटल। ठीक है, आप उसका क्या होता है, आप जब किसी एक कंपनी में काम कर रहे हो और उसमें आपने एक साल दो साल ढाई साल काम किया है, काम करने के बाद आपने पीएफ निकाल दिया वो कंपनी का। ठीक है, पीएफ निकाल देने के बाद अपने पीएफ निकाल दिया बिंदास कुछ दिन बाद फिर से वही कंपनी सेम कंपनी पे आके ज्वाइन हुआ है। जब आप फिर से वही कंपनी पे आके ज्वाइन हुआ है क्या होता है, वो जो पहले वाला इवेंट है जिससे आप पीएफ निकाल दिया सेम वही इवेंट चालू हो जाता है और वो इवेंट चालू होने की वजह से आपका पीएफ दिखाता है कि ऑलरेडी सेटल्ड। और दूसरा जो है वो होता है कि आप जब रनिंग में पीएफ निकाल देते हो, रनिंग में पीएफ निकालने से क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं रनिंग में पीएफ निकाल देते, रनिंग में पीएफ निकालने के बाद क्या होता है उनका जो क्लाइम है वो दिखाता है कि ऑलरेडी सेटल, क्योंकि जो पीएफ वाले हैं फील्ड ऑफिसर हैं उनको वो ये दिखाता है कि उन्होंने भाई ये बंदे ने पीएफ निकाल दिया, तो वो क्यों दे है ना आपको फिर से क्यों दे। तो ये दो रीजन है जिसके वजह से आपका पीएफ क्लाइम ऑलरेडी सेटल बताता है और आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो जाता है। रिजेक्ट क्या, और बहुत सारे कई सारे रीजन है, लेकिन मैं सिर्फ स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोगों का क्लेम मतलब ऑलरेडी सेटल बता रहा है, उन लोगों के लिए। आप अप्लाई करने के बाद बार बार आपका क्लेम दिखा रहा है योर क्लेम इज रिजेक्टेड बिकॉज क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड, तो आप क्या करें उस टाइम, इसका सोल्यूशन क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा उसका सोल्यूशन क्या है। और एक रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर किसी ने मेरा जो भी ये वीडियो देख रहा है और मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको तो अपना इवेंट लॉगिन कर देना है। इवेंट लॉगिन होने के बाद आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक इवेंट लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ, आपको भी इस तरह से इवेंट लॉगिन करना है। यहाँ पे जो चैप्टर है इवेंट नंबर पासवर्ड डालने के बाद नीचे जो चैप्टर है वो कैप्चा आप जब डालेंगे, डालने के बाद इवेंट लॉगिन करेंगे। एक मिनट मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस दिखाऊंगा। चलिए, मेरा साइनिंग हो गया। उसके साइनिंग होने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस देखेगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो उसको डेस्कटॉप साइड कर लीजिएगा। डेस्कटॉप साइड के लिए आप राइट साइड पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके नीचे जब स्क्रॉल डाउन करके आएंगे डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है और वहाँ पे जब दो नंबर पे आप देखेंगे व्यू जो है ना, व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक होने के बाद यहाँ पे दो नंबर पे सर्विस हिस्ट्री है, ये जो सर्विस हिस्ट्री है ना, सर्विस हिस्ट्री पे आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कितना दिन से आप काम कर रहे हो और कब छोड़ रहे हो, कब जब छोड़ा है आपने, वो पूरा डिटेल्स यहाँ आपके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो छः ऑप्शन है टोटल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट ऐसा बोल के सेम है, छः ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर आप पहले काम कर रहे हैं, देखिए अगर आप 1/6/2015 पे यहाँ पे दिखा रहे हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट 3/12/2017 पे, ठीक है, तो वो तारीख पे ज्वाइन हुआ था, वो तारीख पे काम छोड़ दिया था। अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और सेम इवेंट फिर से आपका एक्टिव हुआ है, ठीक है, तो फिर ये सेकेंड जो ऑप्शन है वहाँ पर आप फिर न्यू आप जो ज्वाइनिंग हुए थे वो न्यू ज्वाइनिंग उस पर डालना है और जो एग्जिट डेट न्यू है उस पर न्यू डालना है। ठीक है, और ऐसे थ्री ऑप्शन है, आप अगर तीसरे बार सेम कंपनी में काम कर रहे हो तो यहाँ पे भी ऐसा डालना है। अगर आप बीच में रनिंग पे भी छोड़ दिए थे तो फिर भी आपको सेम ऐसा ही करना है। यहाँ पे जितना तारीख पे आप छोड़े थे रनिंग पे पीएफ निकाले थे जितना तारीख को, वो तारीख वहाँ पे डालना है और वो एग्जिट डेट भी जब आप फिर से काम छोड़े वो एग्जिट डेट भी यहाँ पे ही डालना है। लास्ट का जो देख रहे हैं, अगर आप पहले निकल चुके थे पहले यहाँ पे दिखाएगा आपका एग्जिट डेट, दूसरा जो चार है ना वो चार खाली रहेगा। ठीक है, वो चार इसलिए खाली रहता है कि बाद में अगर आपका सेम इवेंट एक्टिव हुआ तो इससे मतलब आप वो कर सकते हो। तो आपको भी कुछ ऐसा करना है, आपको जैसे ये व्यू सर्विस हिस्ट्री यहाँ पे मेन फंड है यार, ये चीज़ समझने वाला है, यहाँ पे आप भी ऐसा कर सकते हो। और जहाँ तक रिजेक्ट का बात है, क्लेम रिजेक्ट का,
तो रिजेक्ट के लिए देखिए आपका प्रोफाइल मिसमैच चाहिए, प्रोफाइल पे ऐसे जब चेक करेंगे प्रोफाइल मिसमैच भी हो सकता है रिजेक्ट का, बहुत सारा रीज़न है रिजेक्ट का, आपका बैंक अकाउंट भी मिसमैच हो सकता है। और ये देखिए रिजेक्ट जो है, रीज़न जो है नीचे लिखा आ जाता है ऑटोमेटिक कि किस चीज़ के लिए रिजेक्ट हुआ है, और आपका भी ऐसा हुआ है तो नीचे दिया जो रीज़न है ना वो रीज़न को फॉलो कीजिए आप, 100% आपका पीएफ।